हापुड़ में गुरुवार को कांग्रेस जनों ने बिहार के छपरा जिले के रहने वाले पदयात्री अपूर्व भूषण का ततारपुर बाईपास पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को छपरा जिले से पदयात्रा शुरू की थी। करीब 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय कर वह हापुड़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि यात्रा का समापन दिल्ली AICC कार्यालय पर होगा, जहाँ वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। पदयात्री अपूर्व भूषण ने बताया कि ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। पैदल निकला हूँ मैं 30 अगस्त को गांधी चौक छपरा से, और मंजिल है राहुल गांधी के पास जाने की, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली। तेज ये है कि अकेले तो चना भाड़ फोड़ नहीं सकता, और हमारे कार्यकर्ता भाइयों में थोड़ा हमें देख के कुछ जोश तो आएगा। बस यही एक मंशा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जगाते हुए चलें और कहते हुए चलें कि आप अकेले नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। ये संदेश कार्यकर्ताओं को दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी को जो मैं संदेश दूंगा वो तो उनके लिए पर्सनल है, वो तो लिफाफे में बंद है, वो कोई नहीं देख सकता। हापुड़ में पहुँचा हूँ, हापुड़ से पहले पहुँचा था कल, और आज सुबह चला हूँ। करीब 6:18 या 6:08 हो रहे होंगे, और यहाँ आके थोड़ा थक गया तो यहीं रुक गया मैं। लगभग 1050 तो पूरा हो चुका होगा, और बाकी जो भी दिल्ली का बचता है किलोमीटर 60, 65, 70 वो बच रहा है अभी। हमने जब काउंट किया था तो 1107 किलोमीटर था हमारे यहाँ से। और तबीयत की अगर बात करें तो तबीयत आप समझिए कि 100 में 15% सही है, 85% ख़त्म है। अब इसको रिकवर भी करना है और आगे भी चलना है। अब इसमें देखिए, अब भाटी जी का सहयोग थोड़ा हिम्मत दे देगा तो ये तबीयत 25% हो जाएगी। PCC सदस्य SC प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश कुमार भाटी ने बताया कि अपूर्व भूषण जिसने एक इरादे से देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा पर निकले हैं, उनकी वह पहल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान YK शर्मा, VC शर्मा, गौरव गर्ग, तारेश्वर त्यागी, आकाश त्यागी, जस्सा सिंह, राजेंद्र कुमार, ललित जाटव आदि ने अपूर्व भूषण का स्वागत किया।